नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी और आप देख रहे हैं क्लिप्स डॉट इन। रविवार को पूरा दिन राजनीतिक गहमागहमी के बीच गुजरा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी वायरल होने के बाद से ही सियासी जंग भी शुरू हो चुका है। राजधानी में अलग अलग जगह प्रदर्शन और उग्र आंदोलन हुए। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। रविवार को सुबह से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन और आंदोलन किया गया। मंत्री का इस्तीफा मांगने सीएम हाउस का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं की पुलिस से जमकर झूमाझटकी हुई। हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता ने सीएम हाउस पहुंचने के लिए पुलिस से जूझते रहे। बीच बीच में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान का भजन भी चलता रहा। कई बार युवा कांग्रेस नेताओं और पुलिस में झड़प होती रही। कांग्रेस नेता गांधी मैदान में एक साथ कूच कर सीएम हाउस का घेराव करने निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस तक ना पहुंच पाए, इसके लिए सीएम हाउस तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। बावजूद इसके कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश में लगे रहे। मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के घर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने भूपेश के घर पर चप्पल भी फेंकी और पथराव भी किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने भूपेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और उनके घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने भूपेश के घर के सामने एक सभा की और उन्हें पूरे मामले के लिए दोषी ठहराया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री राजेश मूणत ने राजधानी के विकास के लिए काम किया, इससे कांग्रेस घबरा गई है। यही वजह है कि इस तरह के प्रकरण में फंसाकर उनकी छवि को गंदा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश दिखा। जिले भर में मंडल कार्यालयों से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता ने भूपेश बघेल का पुतला दहन करने से पहले जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की फौज में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री संजू नारायण सिंह और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता फर्जी सेक्स सीडी जारी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल का पुतला फूंका। यह घृणित राजनीति का जो कार्य किया गया है, अब तो सब कुछ स्पष्ट है। मैंने वो वीडियो भी देखा जिसमें राजेश मूणत जी के संबंध में दिखाया गया, और मैंने अब वो वीडियो भी देखा है जिसको अल्टर किया गया है, जिसको टेम्पर किया गया है। फेस मॉर्फिंग की साधारण सी टेक्नोलॉजी को लेकर अगर कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह घटिया राजनीति करते हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान उनको सजा देंगे, जनता उनको सजा देगी और हम भी उनको सजा देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे प्रदेश में जब यह स्पष्ट हो गया सब कुछ कि किसी पोर्न वीडियो को अल्टर करके और उसको प्रसारित किया गया है, किसी विकास पुरुष के चरित्र के हनन का काम किया गया है, तो भूपेश बघेल को भुगतना पड़ेगा इस विषय पर। हर जगह पुतले का दहन है, यह प्रतीकात्मक है, और अगर ये बात और स्पष्ट हुई तो छत्तीसगढ़ से निष्कासन उनका युवा मोर्चा करवाने वाला है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। तमाम प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद अभी माहौल में गर्मा गर्मी है और अब देखना होगा कि आगे दोनों राजनीतिक पार्टी किस ओर रुख करती है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और इस समय ऐसे आंदोलन और प्रदर्शन आगे भी होंगे। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्लिप्स डॉट इन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।